हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीएल टेक्निकल सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम सबमिट करेंगे प्रॉपर्टी रिटर्न। एज पर सर्कुलर, ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ J&K हैव टू सबमिट इट बाय और बिफोर 31st of January 2022। इफ़ यू आर न्यू हियर, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गूगल क्रोम को ओपन करके रखा हुआ है। सर्च बार में हम एंटर करेंगे प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम J&K। उसके बाद एंटर, तो हमारे सामने सर्च रिजल्ट्स का पेज ओपन हो गया है। फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करोगे प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम, जिसके ऊपर वेबसाइट का एड्रेस है prs.jk.gov.in। लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो यू कैन सी प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम JAD J&K डिपार्टमेंट की वेबसाइट ओपन हो गई है। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं की है, आपको सबसे पहले एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो हम एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले CPIS कोड एंटर करना है। OTP एंटर कर लेना है। इसके बाद हम पासवर्ड एंटर करेंगे। रिटाइप करने के बाद इमेज के कैरेक्टर्स हम फिर से एंटर करके रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। फर्स्ट जो आपका डिपार्टमेंट है वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेम, जो भी आपका नाम है, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन के बाद आपका ऑफिशियल एड्रेस क्या है वो आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है। अगर आप डेपुटेशन बेस पे हो तो इसको आप टिक करोगे, वरना एज इट इज़ रहने दोगे। उसके बाद पे स्केल क्या है, 7th पे कमीशन के हिसाब से आपका पे स्केल क्या है वो हमने यहाँ पे एंटर करना है। मंथली ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी है वो आपने एंटर करनी है, इंक्लूडिंग डिडक्शंस। नेक्स्ट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, नेक्स्ट टोटल फैमिली स्ट्रेंथ कितनी है। नेक्स्ट, अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो चुकी है तो आप इसको सेलेक्ट करोगे। नेक्स्ट, डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर, वी आर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सबमिटेड लास्ट ईयर। अगर आपने लास्ट ईयर प्रॉपर्टी स्टेटमेंट सबमिट की है, DDO की डेजिग्नेशन आपने एंटर करनी है। उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन अपलोड हो चुकी है। एड न्यू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी टाइप मूवेबल प्रॉपर्टी, उसके बाद प्रॉपर्टी सब टाइप कैश बैलेंस ज्वेलरी हाउस होल्ड आइटम्स, ये सारा आता है, आपने सेलेक्ट करना है। तो नेक्स्ट कॉलम में कैश इन हैंड, कैश आपके पास है, बैंक बैलेंस आपके पास है, वो आपने सारा एंटर करना है। नेक्स्ट कॉलम में म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू आपने एंटर करनी है। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट की वैल्यू। नेक्स्ट, अगर आपने और कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है आपने, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। नेक्स्ट कॉलम में टोटल वैल्यू ऑफ ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स प्रीशियस स्टोन्स एक्सेट्रा, तो वो आपने एंटर करनी है। नेक्स्ट, हाउस होल्ड आइटम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की वैल्यू आप एंटर करनी है। इसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। इसी तरह आपने अपने व्हीकल की डिटेल सबमिट करनी है।
उसके बाद आपने रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स की डिटेल्स और लैंड की डिटेल्स अपलोड कर देनी है। डिटेल सेव करने के बाद आप अपने फॉर्म को प्रीव्यू कर सकते हो और उसके बाद उसका प्रिंट दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।